खबरां दे सिलसिले की शुरुआत करते हैं इस वेले की एक वड्डी खबर तो थानू दस दिए कि अमृतसर पुलिस ने तीन शक्की दहशतगर्दा गिरफ्तार किया। दहशतगर्दा के कोलों की भारी मात्रा के हथियार बरामद हुए हैं। जी हाँ, तीन पिस्तौल ते एक AK-47 इन्हां दहशतगर्दा तो बरामद किए गए हैं। गुरु नगरी के एक होटल के मुलजम रुके हुए सन, धार्मिक आगुआ ते हमले की साजिश सी। ये पुलिस के वालों की जानकारी जो है वह दी गई है। अज अदालत विच पेश करके पुलिस इन्हों का रिमांड हासिल करेगी। तिने दहशतगर्द तरन तारण जिले नाल संबंधित दसे जा रहे हैं। दो सरहाली ते एक पिंड का रहन वाला इतने दसिया जा रहा है। होर गिरफ्तारियां ते बरामदगियां होने की भी इतने संभावना जताई जा रही है। तो मामले की जांच लई अज DGP अमृतसर पहुंचणगे। हाँ, लगातार पंजाब के हथियारों की बरामदगी जो है होंगी जा रही है। बीते कुछ दिन पहला भी सरहद तो इस तरह के हथियारों का जखीरा बरामद किया गया सगा। ते जानकारी भी सामने आ रही है कि कैनेडा च बैठे गैंगस्टर ते दहशतगर्द लखबीर लंडा तो इलावा एक होर शख्स के संपर्क के सने मुलजम। ये हथियारों की बरामदगी तुम देख सकते हो, पिस्तौलां बरामद हुई ने। AK-47 जो है इन्हों तो बरामद की गई है। गोली सिक्का बरामद होया। पुलिस के वालों की यह जानकारी दी जा रही है कि किसी धार्मिक आगू के उत्ते यानी कुछ धार्मिक आगुओं को निशाना इन्हों के वालों की बनाया जाना सगा, जो इन्हों के आका के वालों की इन्हों हुक्म दिए गए। पर उस तो पहला कि अपनी साजिश के कामयाब होंगे, अमृतसर पुलिस ने इन्हों एक होटल तो गिरफ्तार कर लिया। सो तीन पिस्तौल एक AK-47 इन्हों के कोलों की बरामद हुई है। लगातार सूबे के इस तरह बरामदगियां हो रही ने जो कि कई तरह के शंके खड़े कर रही ने सुरक्षा को लेकर। हालांकि दहशतगर्द फड़े गए ने, यह जो है एक राहत की गल है, पर एक वड्डी वारदात को अंजाम देने की साजिश जो है इन्हां दे वालों दी रची गई सी। दो तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं, अमृतसर अते फिलौर दी तस्वीरां विखा रहे हैं। जो बरामदगी हुई है दहशतगर्दां तो ये तुसी वेख सकते हो। तीन पिस्तौल ते एक AK-47 इत्थे बरामद की गई। उधर फिलौर दे विच भी तुहानू दस दिए कि हथियारों का जखीरा जो है वह बरामद किया गया। जलंधर देहाती पुलिस नू एक कामयाबी मिली है। फिलौर दे विच जो है हथियारों के जखीरे सने दो मुलजमान काबू किया है। उत्थे भी पुलिस का यही कहना है कि दिवाली के मौके पर इस सूबे का माहौल खराब करना चाहते सके। पुलिस वालों इन्हों को पूछगिछ की जाएगी। जो फिलौर तो गिरफ्तार किए गए हैं उन्होंने को 5 देसी पिस्टल 10 मैगजीन तो 10 जिंदा रौं चूने वो बरामद किए गए हैं। तो यह भी कहा जा रहा है कि जलंधर तो अमृतसर के गैंगस्टर के संपर्क में सन ये मुलजम। सो इस बारे होर ज़्यादा जानकारी देने के लिए साढ़े सहयोगी मनिंदर मोंगा साढ़े नाल जुड़ गए हैं फोनलाइन के उत्ते। मनिंदर, जे गल की जाए तो लगातार अमृतसर होवे या सरहदी इलाके हुण उत्थों दी इस तरह दी बरामदगियां हो रही ने, ते जो तीन शक्की दहशतगर्द फड़े गए ने अपने आप च इक बहुत वड्डी कामयाबी है। बिल्कुल गुरप्रीत, जे असी पिछले कुछ समय झात मारी, चाहे वह 15 अगस्त के नेड़े या हुण दिवाली के नेड़े, लगातार जिहड़ियां बरामदगियां हुई ने या गिरफ्तारियां हुई ने, किते ना किते साफ तौर से संकेत है कि पंजाब नूं मुड़ तो काले दौर च धक्कण दे यतन किए जा रहे। पंजाब की शांति भंग करन दी जिहड़ी साजिश है वह रचिए जा रही है। तो ताजा मामला अमृतसर का, जिथे अमृतसर पुलिस वालों दिल्ली पुलिस के नाल एक सांझे ऑपरेशन दौरान जिहड़ा तीन शक्की अतवादियों नूं गिरफ्तार किया गया, जो अमृतसर के एक होटल के रुके हुए सन। और इन्हां पासों तीन पिस्टल ते एक AK-47 के नाल जो जिंदा कारतूस ने जो राउंड वह बरामद किए गए हैं। और जो पुलिस वालों हुण तक सानूं मुढ़ली जानकारी मिली है अपने सूत्रों तो, उस अनुसार ये तिने लखबीर लंडा के संपर्क में सन और एक होर इन्हों का साथी से, क्योंकि जिहड़े तिने तीनों ने तीनों जिला तरन तारण संबंधित रहे। इन्हों दो शक्की अतवादी सरहाली संबंधित ने और एक पखीवन न, तो इन्हों का एक होर साथी से जो सरहाली का पर कनेडा रहा और उसके नाल लगातार संपर्क सन। उस वालों ही इन्हों दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि फलानी थान से जी कंसाइनमेंट है हथियारों की वो आ रही है। तो हुण वड्डा सवाल यह है कि जो हथियार बरामद किए गए सन, जिस तरह सानू साडे सूत्रां ने दस्सिया कि किसी धार्मिक आगू नूं निशाना बनाउण की तैयारी थी इन्हां तिन्नां वल्लों, और इन्हां दे होर भी साथी हो सकते हैं और होर भी ज्यादा बरामदगी जिहड़ी आ उह कीतीआं जा सकदीआं ने, क्योंकि इन्हां वल्लों जो कंसाइनमेंट इन्हां वल्लों हासिल की गई थी उसका कुछ हिस्सा जिहड़ा हले तक बरामद किया गया। तो बिना शक अज अदालत च पेश किया जाना है, रिमांड हासिल किया जाना है। अनेक सवाल ने जिन्हां दे जवाब जिहड़े है वह हासिल किए जाने ने। इन्हां दे होर कहड़े कहड़े साथी ने, किस धार्मिक आगू निशाना बनाने की तैयारी थी या होर भविख दी योजनावां सन, होर कित्थे कित्थे हथियार जिहड़े लुको के रखे गए ने,
तो हम इंतजार रहूगा कि पुलिस वालों कदों इस सारे मामले दे विच प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझी की जाऊ। जी जी मनिंदर जी, गल की जाए जिस तरह ना तुसी जानकारी दे रहे हो कि कंसाइनमेंट जो है इन्हां नूं उत्थों कैनेडा तो बैठा बंदा दसदा सी इत्थे आ रहे की है सरहद पारों ड्रोन के जरिए हथियार जो ने आए सन जो इन्हां कोलों बरामद होए ने, कोई अजिही जानकारी पुलिस ने साझी की होवे? बिल्कुल गुरप्रीत, पिछले लगभग एक साल तो एको एक तकनीक जिहड़ी है वह कामयाब बनी जा रही है कि ड्रोन के राही नशीले पदार्थ हथियारों की खेप पाकिस्तान वाले पासों भारतीय खेत्र में भेजी जाती है। हालांकि उनका कुछ हिस्सा जरूर बीएसएफ या पुलिस कामयाब बरामद करने में कामयाब रहती है, पर ज्यादातर कंसाइनमेंट क्योंकि रात के अंधेरे के सिर्फ ड्रोन की आवाज जिहड़ी है बीएसएफ वो सुन सकती है, अंधेरे ड्रोन की लोकेशन का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। तो जे सिर्फ अंधेरे तीर मारिया जाता है, गोलियां चलाई जांदियां ने ड्रोन नूं जिहड़ा हेठां सुट्टण नूं, तो कुछ केसों में कामयाबी जरूर हासिल होती है, पर अनेक केसों में अभी सुनते हैं कि ड्रोन जिहड़ा आया पुलिस वालों फायरिंग की गई और मुड़ के भारतीय खेत्र चो पाकिस्तानी खेत्र चो वापस मुड़ गया। तो अजिहे च जाहिर है कि वो भारतीय खेत्र में कंसाइनमेंट सिटन तो बाद पाकिस्तान वाल वापस मुड़ गया। तो अनेक कंसाइनमेंट ने जिहड़ियां पिछले कुछ दिनों बरामद भी की गई ने, पर कुछ कंसाइनमेंट अजिहियां भी हो सकती ने जिहड़ियां पुलिस दे जां बीएसएफ दे हथ ना लगियां होण। तो हुण सवाल यही है कि इन्हां दी तो पुछगिछ दे आधार ते उस कंसाइनमेंट तक पहुंचा जा सकदा। जी मनिंदर, यह भी जानकारी मिल रही है कि अज जिस तरह ना तुसीं दस रहे सीगे कि शायद डीजीपी भी अज इत्थे पहुंच रहे ने। जी बिल्कुल गुरप्रीत, इस मामले की गंभीरता देखते हुए संजीदगी देखते हुए अज डीजीपी इतने अमृतसर पहुंच रहे हैं, उन्होंने वालों इस पूरे मामले की डूंघाई के जांच की जानी है, अधिकारियों मीटिंग की जानी है और इस पूरे केस को स्टडी किया जाना और भविष्य की जी रणनीति है वह तय की जानी, क्योंकि जिस तरह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने कुछ घंटों के होर गिरफ्तारियां भी हो सकती है, वड्डी बरामदगी भी की जा सकती है। जी जी मनिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। सो लगातार जो है इस तरह बरामदगियां हो रही ने, मनिंदर साढ़े सहयोगी जानकारी दे रहे हैं जिस तरह के सरहद पारों जो है हथियारों की खेप आई सी जिसनों बरामद कर लिया, धार्मिक आगू इन्हों के निशाने पर से इन्हें शक्की दहशतगर्दा से हम खुलासे किए जाएंगे, पुलिस इन्हों तो पूछगिछ कर रही है, उस तो बाद पता लगेगा किहड़े धार्मिक आगू नूं निशाना बनाउणा सीगा, होर की कुछ वारदातों इन्हों वालों अंजाम देना चाहिए। अगे वधांगे, जलंधर देहाती पुलिस नूं वड्डी कामयाबी मिली है, हथियारां दे ज़खीरे सने दो मुलजम काबू किए गए ने। दिवाली मौके पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे सी मुलजम, पुलिस दा बयान सामने आया, मुलजमां कोलों 5 देसी पिस्टल, 10 मैगजीन अते 10 जिंदा रौंद बरामद किए गए ने। दस दईए जंडियाला ते अमृतसर दे गैंगस्टरां नाल भी मुलजमां दे तार जुड़े दसे जा रहे ने। जी हाँ, सो लगातार हथियारों की बरामदगी वो भी दिवाली तो पहला, ये जानकारी जो पुलिस वालों दिती जा रही है कि दिवाली के मौके पर सूबे का माहौल खराब करना चाह रहे सन गैंगस्टर के नाल, इन्हों के लिंक जो ने वो सामने आए हैं, अमृतसर से जंडियाला के नाल जुड़े हुए कुछ गैंगस्टर जो ने उन्होंने संपर्क के सने मुलजम जिन्हों के कोलों बरामदगी हुई है। तो सवाल यह भी है कि ना कि हुण पुलिस वालों जांच की जाएगी कि की ये भी जो हथियार बरामद हुए हैं ये भी सरहद पारों आए सन या फिर किसी होर थां तो लिया के इन्होंने जो है इतने इन्हों को जो बरामद हुए ने किसी होर नूं देने सन, किस तक सप्लाई किए जा रहे सन, किहड़ी वारदात दे विच जो है इन्हों का हथियारों का इस्तेमाल होना सीगा, सो तमाम पहलू ने जिन्हों की जांच जो है हुण पुलिस वालों की जाएगी। पर लगातार सूबे दे विच हथियारों की बरामदगी हो रही है, पुलिस की पिठ थापड़नी बनती है कि पुलिस वालों जो है पहला ही पुख्ता जानकारी हासिल कर ली जाती है। अमृतसर की तस्वीर भी असी अपने दर्शकों को दिखाई है जिथे दिल्ली पुलिस की मदद के नाल हथियारों की बरामदगी हुई है, तो हुण फिलौर दे विच जो है जलंधर देहाती पुलिस ने ये हथियार बरामद किए ने, दो मुलजम पुलिस के अड़के चढ़े। अमृतसर जेल में मुकेश यादव नाम का बंदा जिहड़ा अंदर बंद है, वो अपने सोर्सिज राही अपने है बिहार तो वैपन जिहड़े इत्थे लिया के अगे सप्लाई करता है, जिहड़े अगे माड़े अंसर के हथ वैपन लगते हैं। दो बंदे विजय राम और अजय राम नाम के बंदे, ये सन ऑफ लाल बहादुर है जेडे सिवान डिस्ट्रिक्ट है बिहार च, उत्थे रहन वाले उन्हां कोलों है जो तलाशी ली इन्हां दे बैग विचों 5 जिहड़े है वैपन जिहड़े मिले है, 10 मैगजीन्स मिली है और 10 ही जिहड़े है लाइव राउंड जिहड़े है वो इन्हां नूं बरामद हुई सी। इन्हां नूं दिल्ली तो जिहड़ा है मुकेश यादव दे जिहड़े ब्रदर है उन्हें सप्लाई की, उन्हें कहा कि अगे किसी नूं हैंड ओवर करने है, वो असीं फरदर पुछगिछ असीं कर रहे हैं, जिहो जी गल आऊगी सामने तुहानूं दसी जाऊगी। तो बिहार तो हथियार लिया के सप्लाई करते सन, एक इन्हों का जो साथी है अमृतसर जेल के दिस तरह ना पुलिस वाले जानकारी दे रहे हैं उत्थे बंदे
मनीष बावा साढ़े सहयोगी साढ़े जुड़ गए हैं फोन लाइन उत्ते। मनीष जे गल की जाए तो एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस नूं, होर की कुछ जानकारी पुलिस वालों सांझी की गई? बिल्कुल गुरप्रीत जी, मुकेश कुमार यादव जिहड़ा अमृतसर जेल दे विच बंद है, इहदे जो दो इहने गुरगे रखे हुए सीगे जिहड़ा हथियार सप्लाई करन दा काम करदे सीगे, जिहड़ा नूं कल जलंधर देहाती पुलिस दे स्पैशल ब्रांच दी टीम वल्लों जिहड़ा काबू कीता गया, जिहना तों पांच देसी जिहड़े पिस्टल ते 10 मैगजीन ते 10-20 बोर दे जिहड़े मैगजीन बरामद कीते गए है ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਮੁਕੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जी मनीष, फिलहाल तमाम जानकारी दे लई बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये वड्डी कामयाबी इत्थे पुलिस नूं मिली है जंडियाला ते अमृतसर दे गैंगस्टर नाल इन्हां दे तार जुड़े हुए नजर आ रहे ने जो फड़े गए ने जलंधर देहाती पुलिस नूं। ये वड्डी कामयाबी मिली है हथियारां दे ज़खीरे सने दो मुलजम काबू किए गए ने। तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो जो बरामदगी हुई है हथियारां दी। दिवाली मौके पंजाब दा माहौल खराब करना चाहुंदे सी मुलजम, ये पुलिस दा बयान भी सामने आया।